क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है? आइए एक चौंकाने वाले तथ्य के साथ शुरुआत करें। पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर रेत के कणों की तुलना में ब्रह्मांड में अधिक तारे टिमटिमा रहे हैं। ये बहुत सारे सितारे हैं, है ना? ब्रह्मांड से अपने शरीर की ओर बढ़ते हुए आइए नौवें आश्चर्य पर आश्चर्य करें, मानव मस्तिष्क। यह जटिल अंग आकाशगंगा के तारों की तुलना में अधिक कनेक्शन का दावा करता है, जो इसकी अथाह जटिलता का प्रमाण है। आपको मानव मस्तिष्क की शक्ति के बारे में दो बार सोचने पर मजबूर करता है ना? आइए गहरे नीले समुद्र में गोता लगाएं, जो रहस्यों से भरा हुआ क्षेत्र है। मारियाना ट्रेंच एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक गहराई तक गिरती है। अनगिनत प्रजातियां अनदेखे हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि पानी के नीचे झीलें और नदियां मौजूद हैं, जो हमारी समझ को झुठलाती हैं। महासागर, हमारी दुनिया के भीतर एक दुनिया है। समुद्र की गहराई से लेकर प्रौद्योगिकी की सीमा तक हमने आश्चर्यजनक प्रगति देखी है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अत्यधिक गति से चलता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे भविष्य में क्रांति लाने का वादा करती है। प्रौद्योगिकी जो संभव है उसकी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। पृथ्वी पर वापस आइए प्रकृति के चमत्कारों, विशेषकर जीवन के लचीलेपन पर आश्चर्य करें। टार्डिग्रेड पर विचार करें, एक विनम्र लेकिन आश्चर्यजनक प्राणी। यह सबसे कठिन परिस्थितियों, यहां तक कि अंतरिक्ष के निर्वात का भी सामना कर सकता है। सच में जिंदगी हमेशा एक रास्ता ढूंढती रहती है। अंत में चलो समय के बारे में बात करते हैं, एक अवधारणा जो ब्रह्मांड में झुकती और फैलती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने समय के फैलाव का खुलासा किया, जिससे हमें पता चला कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो सकता है। वहां का एक घंटा अन्यत्र वर्षों तक फैल सकता है। समय परम पहेली। संक्षेप में शीर्ष तीन चौंकाने वाले तथ्य जिनकी हमने चर्चा की वे हैं, पहला, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, सितारों, आकाशगंगाओं और रहस्यों का एक ब्रह्मांडीय कैनवास जो अभी भी सुलझना बाकी है। दूसरा, मानव मस्तिष्क की जटिलता, एक जैविक चमत्कार जिसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे विचारों, सपनों और पहचान को आकार देते हैं। अंत में समय फैलाव की अवधारणा, एक आकर्षक घटना जहां आपकी गति या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के आधार पर समय धीमा या तेज हो सकता है। याद रखें, ज्ञान हमारे क्षितिज का विस्तार करता है और हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। प्रश्न करते रहो, सीखते रहो।